बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। कपड़ों में राधा राधा लिखा, कपड़ों में मंत्र लिखे, कपड़ों में, और ये नहीं जान रहे कि कपड़ा छापने वाला पहनने वाला दोनों की दुर्गति होगी। जिस बाथरूम में तुम लघु शंका करते हो उसी में नाम लिखे हुए भगवान के कपड़े धोओगे तो क्या होगा, अपराध बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो नाम सिंहासन में जो विराजमान है उस नाम का हम आदर करें, जैसे हम राम नामी दुपट्टा ओढ़े फिर उसको धोए तो गंगा जी में धोए, या ऐसी जगह धोकर उसका जल डालें जो पैर के नीचे न पड़े, क्योंकि भगवान का पावन हम जितना आदर करेंगे उतने ही मान। जो पूर्वज लोग ब्याह बर करते थे गुण मिला के, कुल परंपरा सब देख करके, पवित्रता से उनकी खान पान व्यवस्था देखकर, उनकी रहनी देखकर, आस पड़ोस से पूछ के कि बिटिया दे रहे हैं या लड़का बहु स्वीकार कर रहे हैं, तो थोड़ा आजीवन के निर्वाह के लिए, यहाँ तो चंद मिनट में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, 10-15 दिन के बाद आजीवन समर्पण के संकल्प आए, फिर साल भर के बाद जो है प्रेम विवाह हुआ और तलाक हो गए। मजबूत रहो, लोग क्या कहते हैं, हम लोगों के लिए भक्ति करते हैं क्या? लोगों के कहने के लिए भक्ति करते हैं क्या? नहीं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लोगों को जो मना है सो कहते रहे, लोगों का तो काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। काम आया है तुम स्वीकृति मत दो, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारे अंदर काम? हम कह रहे कोई भी विकार अंदर आया है आप चुप हो, शांत हो, कोई क्रिया नहीं कर रहे, क्या बिगाड़ लेगा? थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, टिकेगा थोड़ी, उसकी सामर्थ्य थोड़ी, आप टिकाओगे तो टिक जाएगा। अब गंदी फिल्में देखोगे, गंदी बातें करोगे, गंदी चेष्टाएं करोगे, टिक जाएगा? इसलिए इन बातों से बचो और नाम जप करो, डरो मत, एकदम ऐसे मत डरो कि जैसे तुम्हारी हालत हो रही। नाम जप करो और आज से जो नियम लिया उन नियमों का पालन करो।